प्रागैतिहासिक, इसके बाद आता है आपका आद्र ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्र ऐतिहासिक और इसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्र ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीन टाइप में बांटा हुआ है यहाँ पे हिस्ट्री को। ठीक है, मेन ये तीन पार्ट होते हैं। प्रागैतिहासिक या पाषाण पीरियड उसको बोलते हैं जिसका जिसके हमें सोर्सेस मिले हुए हैं, जिसके हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते उसको। ठीक है, या अवेलेबल ही नहीं है। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है या प्रागैतिहासिक जो टाइम पीरियड रहा है प्री हिस्टोरिक वाले का, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ना तो हमें पता है ना हम उसको पढ़ पाते हैं, मतलब इसका कोई भी हमारे पास लेखा जोखा नहीं होता है, उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। भाई हिस्ट्री का पता हमें कैसे चलता है? बुक्स से, हिस्ट्री की कुछ चीजें पुरानी एंटिक चीजें देखकर। ठीक है, अब राम सेतु का पता चला कि भाई हाँ वहां से वहां तक उन्होंने राम सेतु बनाया क्योंकि वो चीज अवेलेबल है, हम उसको देख रहे हैं, इसलिए पता चला। लेकिन प्री हिस्टोरिक ऐसा पीरियड था जिसमें हमें कोई भी सोर्सेस नहीं मिले। ठीक है, और मिल भी जाते तो हम उनको पता नहीं कर पाते, उनकी लैंग्वेज नहीं पता कर पाते, ना हमें वो मिले हैं, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब ये पाषाण काल को ही इन्होंने तीन टाइप में बांटा हुआ है, इसी को हमें तीन टाइप में बांटा हुआ है। अब सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो प्राग ऐतिहासिक क्या है? जिसका हमारे पास कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, वो प्राग ऐतिहासिक पीरियड है यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसके हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, सोशल वाले साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसको तीन टाइप में बांटा हुआ है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये बिल्कुल आदि मानव वाला पीरियड पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, आदि मानव जब हुआ करते थे। ठीक है, जब हमें खाने तक का वो नहीं थी समझ की खाना कैसे खाना है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक पीरियड तीन पार्ट से बटा हुआ है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, तीन टाइप में इसको बांटा हुआ है। तीनों टाइप्स का अलग अलग टाइम पीरियड है इसमें। जैसे पुरापाषाण की अगर बात करोगे तो पुरापाषाण का हर टाइम पीरियड माना जाता है अज्ञात से, अज्ञात से लेके 8000 बीसी तक, अज्ञात से लेके 8000 बीसी तक, यानी शुरू कब हुआ ये नहीं पता है लेकिन था 8000 बीसी तक, ये हमें पता है। समझ आई बात? बीसी का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी समझ गए ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं होती है उसको बीसी और उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं होती है उसको एडी यानी कि एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मध्य पाषाण जो होता है, मध्य पाषाण टाइम पीरियड आता है आपका 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक, 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक। मैंने पहले ही बताया था बीसी में जितनी भी डेट होती है वो सब उल्टी चलती है, यहाँ देखो उल्टी चल रही है डेट्स, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म से 4000 साल पहले, समझ रहे हो, ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले तक ये था मध्य पाषाण काल, समझ में आई बात? और नव पाषाण की बात करेंगे तो नव पाषाण काल था आपका 4000 से लेके 2500 बीसी तक, 4000 से लेके 2500 बीसी तक हमारा नव पाषाण काल था। इन्हीं दोनों टाइम पीरियड्स में तुम्हारा आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, हथियारों का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे इंसान समझ उसके अंदर विकसित हुई कि हम किस तरीके से हमें रहना है। पहले कच्चा भोजन करते थे, फिर आग का आविष्कार हुआ तो पता चला कि नहीं कच्चा भोजन नहीं, हम इसको पका के आराम से खा सकते हैं। ठीक है, पहले जानवरों की तरह चलते थे, फिर आपने एनसीईआरटी किताब छोटी क्लास में पढ़ी हो तो उसमें पूरी इमेज शो कर रखा है, पहले झुक के फिर धीरे 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 फिर हम सीधे चल रहे थे। ठीक है, वैसे ही हमारा जो है सारा विकास जो है डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा आद्र ऐतिहासिक पीरियड, ये तीन पीरियड खत्म होते हैं, उसके बाद आता है तुम्हारा आद्र ऐतिहासिक पीरियड। आद्र ऐतिहासिक पीरियड उसको बोलते हैं जिसके हमारे पास सोर्सेस तो है
लेकिन वो उस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि हम पढ़ भी नहीं सकते। इसके तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, इसके रिसोर्सेज है लेकिन लैंग्वेज इतनी टफ है कि हम उसको पढ़ ही नहीं सकते। समझ आई बात? इनकी लैंग्वेज इतनी टफ है कि हम इनको पढ़ नहीं सकते। समझ में आई बात? और इसको भी इन्होंने बांटा हुआ है दो टाइप्स में, इसको इन्होंने दो टाइप्स में बांटा हुआ है। वो दो टाइप्स कौन से हैं? वो दो टाइप है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक आता है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है तुम्हारा 2500 BC से स्टार्ट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता वही है जिसमें मोहनजोदड़ो, अगर पिक्चर देखी हो तुमने, जो ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी, ठीक है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही उसमें पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2500 से लेके 1500 BC तक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता जिसमें वेदों का निर्माण किया गया। समझ में आएगा? जिसमें वेदों का निर्माण हुआ, जिस पीरियड में गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे अपने घरों को छोड़ के बाहर रहा करते थे, गुरुकुल में रहा करते थे, ये वो वाला पीरियड आता है हमारा। और वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? तो 1500 से लेके 600 BC तक आपकी वैदिक सभ्यता रही। समझ में आ रही बात? अब वैदिक सभ्यता को भी इन्होंने दो पार्ट में बांटा हुआ है, वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, एक ऋग वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। अब ऐसा क्यों बांटा हुआ है दो पार्ट्स में? क्योंकि वेद जब देखोगे, ठीक है, वेद क्या होते हैं, वेद को जब रचना की गई तो चार वेद हमारे हैं अभी एट प्रेजेंट में, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये सिलेबस में है तुम्हारे, उसको तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उसको इंग्लिश हिंदी में यही नाम है। ठीक है, चार वेद है हमारे। ठीक है, और वेदों के उपनिषद है, उपनिषद जिनकी संख्या 108 हमारे उपनिषद है, चार वेद है और वेदों के अंग जो है वो हमारे 6। ठीक है, वेदों के अंग कितने हैं? 6, जिसमें से उपनिषद हमें पढ़ने हैं। वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, उपनिषद, उपनिषद जिसका मतलब होता है वेदों का लास्ट पार्ट। ठीक है, या उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे तुम मेरे समीप बैठ के आज कुछ सब पढ़ लो, तो उपनिषद का भी यही मतलब होता है, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना। समझ में आई बात? तो अब इसको भी अगर मैं बांटना चाहूँ तो ऐसे बांट सकता हूँ, ऋग वैदिक काल रहा 1500 BC से लेके 1000 BC तक, और 1000 BC से लेके 600 BC तक ये वाला टाइम रहा। ऋग वैदिक सभ्यता उसको बोलते हैं जिसमें ऋग वैदिक, ऋग वेद का निर्माण हुआ, और उत्तर वैदिक उसको बोलते हैं जिसमें ऋग वेद के अलावा जो तीन वेद बचते हैं उनका निर्माण हुआ, वो उत्तर वैदिक काल हो जाता है। समझ में आई बात? कितने वेद बताए मैंने? चार, ऋग वेद, साम वेद, अथर्व वेद और यजुर्वेद। वेदों के अंग कितने हैं? 6। ठीक है, और उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, या वेदों के अंतिम भाग को हम उपनिषद बोलते हैं। अब था क्या, वेदों की लैंग्वेज इतनी टफ थी कि उसको पढ़ के समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने उसकी एक समरी तैयार की और उपनिषद तैयार कर दी। उपनिषद को पढ़ के हम वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वेदों की लैंग्वेज टफ है, समझ रहे हो? और वेदों की रचना किसने की थी, समझ रहे हो? ये तो मैं आज अक्सर बुक लोगे तो चीजें समझ में आएंगी, चीजों को समझोगे। ठीक है, अब आ जाता है ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ये वही ऐतिहासिक काल है जिसको तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। समझ आई बात? ये वही ऐतिहासिक काल है जिसको हमने तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। समझे? प्राचीन का टाइम पीरियड 600 BC से लेके 712 ईस्वी आ जाएगा। अब यहाँ पे AD शुरू हो जाता है। समझ आएगा? अब यहाँ पे AD शुरू हो जाएगा, नॉर्मल डेट जैसे हम पढ़ते हैं। 712 से लेके 1707 तक आपका मेडिवल था,
और मॉडर्न की अगर बात करोगे तो 1707 से लेके 1857 तक कई बुक्स कहती हैं और कुछ बुक्स 1950 तक कहती हैं, तो दोनों ही सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एट प्रेजेंट तक मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, समझ आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से स्टार्ट होती है, 1857 भी कह सकते हो या 1950 कह सकते हो, 1947 भी कई बुक्स में लिखा रहता है, 1947 जब भारत आजाद हुआ, या इसको हम बोल सकते हैं एट प्रेजेंट तक जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। समझ में आ रही है बात? ये तुम्हारा पूरा का पूरा हिस्ट्री का स्ट्रक्चर है, इसको दिमाग में तुम्हें डाल लेना है, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक काल जिसके हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं है, ठीक है, आज ऐतिहासिक काल सोर्सेज है बट इतने टफ है कि हम उसको समझ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसके सोर्सेज भी है और हम इसलिए उसको समझ और पढ़ भी सकते हैं। समझ आई बात? इसको तीन पार्ट में बांटा हुआ है, पूरा पाषाण, मध्यकाल और नवपाषाण, अज्ञात से लेकर 8000 बीसी, 8000 से 4000, 4000 से 2500 बीसी। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसी को बोलते हैं 2500 बीसी से 1500 बीसी या 1500 से 600। इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। जिस टाइम पीरियड में ऋग्वेद का निर्माण हुआ उसको ऋग्वैदिक सभ्यता बोलते हैं और जिस टाइम पीरियड में बाकी तीन वेदों का निर्माण हुआ उसे उत्तर वैदिक सभ्यता बोलते हैं। टाइम पीरियड ये दिया हुआ है, प्राचीन में वही है, ऐतिहासिक में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसको कल हमने डिस्कस कर लिया। समझ आई बात? तो ये है तुम्हारा पूरा का। कोई शंका है, कोई डाउट है? ठीक, लिख लो इसको। अरे कॉपी निकाल के